यूट्यूबर एल्विश यादव ने बीजेपी सांसद मेनका गांधी के खिलाफ मानहानि का मुकदमा दायर करने की धमकी दी थी। कथित तौर पर उन्होंने यह धमकी उत्तर प्रदेश के नोएडा में सांप के जहर की सप्लाई करने मामले में एफआईआर दर्ज होने के बाद दी थी। हिंदुस्तान टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक एक ब्लॉग पोस्ट में एल्विश यादव ने मेनका गांधी पर अपनी छवि खराब करने का आरोप लगाया और कहा कि सच्चाई जल्द ही सामने आएगी। उन्होंने कहा, मेनका गांधी मुझे सांप सप्लायरों का मुखिया कहा था, मैं उनके खिलाफ मानहानि का मुकदमा दायर करूंगा। यूट्यूबर ने आगे कहा, मैं उन्हें नहीं छोड़ूंगा, अब मैं इन सभी चीजों को लेकर एक्टिव हो गया हूं। पहले मैं सोचता था कि मैं अपना समय बर्बाद न करूं, लेकिन अब मेरी छवि प्रभावित हो रही है। मेनका गांधी पर निशाना साधते हुए एल्विश ने कहा कि जब मैं उठा तो मैंने एफआईआर देखी, जिसमें लिखा था कि मेनका गांधी का एनजीओ पीपल्स फॉर एनिमल्स ने यह मामला दायर किया है। वह महिला कह रही थी कि मैं गले में सांप डालकर घूमता हूं। वह सब एक गाने की शूटिंग के लिए था और कुछ नहीं। इल्जाम लगा दिया हमें तो भाई वो मेनका गांधी जी ने, हमें तो वो कर दिया, क्या कहते हैं उसको, सांपों का सरंगना, पता नहीं क्या होता है, होता हुआ कुछ सांपों का हेड, जो सांप बेचने वाला सप्लायर, एक डिफेमेशन केस आएगा भाई। ऐसे में नहीं छोड़ने वाला मैं, इतने हल्के में तो छोड़ता ही नहीं मैं। अब मैं हो गया एक्टिव इन चीजों में। पहले तो मैं सोचता था कि यार चलो ठीक है, नहीं करते हो करके छोड़ो, क्यों टाइम वेस्ट करें चीजों में। बट जब इमेज खराब होती है ना, बड़े गंदे तरीके वाली इमेज खराब हुई, अभी आ जाएगा। अभी आपको ना, अब इन चीजों में जो लोग देख रहे हैं, प्लीज एक साइड मेरे को जज मत करना इस चीज के लिए, प्लीज वेट करना। जब पुलिस इन्वेस्टिगेशन सुनाएगी ना, मैं वीडियो भी शेयर करूंगा, सारी चीजें शेयर करूंगा, बड़ा कॉन्फिडेंस से बोल रहा हूँ, कुछ सोच के बोल रहा हूँ। पुलिस भी बोलेगी, रिलीज भी होगी प्रेस स्टेटमेंट कि एल्विश यादव का इस केस में इतना भी इन्वॉल्वमेंट नहीं है। इस दौरान उन्होंने मीडिया को भी नहीं बख्शा और कहा कि वे मीडिया टीआरपी के लिए किसी के भी नाम और छवि को नुकसान पहुंचा सकती है। आज मुझे एहसास हुआ कि सोशल मीडिया और खासकर हमारा भारतीय मीडिया कुछ भी कर सकता है। आप फर्जी खबरें फैलाकर किसी को नई ऊंचाइयों तक पहुंचा सकते हैं और किसी को गिरा सकते हैं, और उसके बाद आप माफी भी नहीं मांगेंगे। गौरतलब है कि सेक्टर 49 में एक रेव पार्टी के संबंध में नोएडा पुलिस ने एल्विश यादव पर मामला दर्ज किया था। उन पर कथित तौर पर रेव पार्टी में सांप के जहर का इस्तेमाल करने का मामला दर्ज किया गया था। इससे पहले मामले में मेनका गांधी ने न्यूज एजेंसी एएनआई को बताया कि करीब एक हफ्ते पहले उत्तर प्रदेश के मथुरा में छापेमारी की गई थी, जहां 8 लोगों के पास 8 सांप पाए गए थे। इन लोगों ने खुलासा किया कि वे एक गिरोह का हिस्सा हैं, जो रेव पार्टियों में नशीली दवाओं के रूप में सांप के जहर की सप्लाई करते हैं। साथ ही उन्होंने मामले में लिप्त सभी आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग की। वहीं सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक यूजर ने लिखा, एल्विश यादव के मामले में पुलिस ने साफ कहा है कि एफआईआर में नाम होने से कोई अपराधी नहीं हो जाता है, अगर जरूरत लगी तो एल्विश को बुलाया जाएगा, अन्यथा नहीं। संदेश साफ है कि एल्विश निर्दोष है। वही यूट्यूबर गौरव तनेजा ने लिखा, सीआरपीसी की धारा 154 के तहत एफआईआर का मतलब केवल यह है कि किसी ने संदिग्ध के खिलाफ तथ्य उनके अनुसार दर्ज किया है और जांच अधिकारी सबूत इकट्ठा करने की कोशिश करेगा। वही उन्होंने आगे लिखा, मेरे खिलाफ भी एक एफआईआर है, पुलिस 1.5 साल से एफआईआर पर सो रही है, ये भी सिर्फ मेरे पीआर को नुकसान पहुंचाने के लिए किया गया था। लोग अपने विरोधियों की छवि खराब करने के लिए हर समय इस टूल का उपयोग करते हैं। आप इस मामले पर क्या सोचते हैं, हमें कमेंट में बताएं और वार्ता 24 न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करें। आप देख रहे हैं वार्ता 24।